श्री सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्रोफेशनल ट्रेडर एंड ट्रेनर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम वो 5 टेस्ट सीखने वाले हैं जिन 5 टेस्ट को किसी कंपनी ने पार कर दिया, पास कर दिया, तो आज तक का इतिहास कहता है उन कंपनियों के शेयर में अगर हम लंबे समय का निवेश करते हैं तो हम इतिहास बना देते हैं, बहुत बढ़िया रिटर्न कमा लेते हैं। जानना चाहेंगे वो 5 टेस्ट कौन सी है। पहली टेस्ट है, जिस कंपनी का हम लंबे समय का निवेश करने के लिए चुनाव कर रहे हैं उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है हमारी बेसिक नीड होना चाहिए, बेसिक जरूरत होना चाहिए। दूसरी टेस्ट है, जिस कंपनी का हमने चुनाव किया है उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके कैटेगरी में मार्केट लीडर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसी कंपनी का प्रोडक्ट बार बार लगातार लाने चाहिए। तीसरी टेस्ट है, जिस कंपनी का हम चुनाव कर रहे हैं उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है दुनिया में कितनी भी बड़ी तेजी आए, कितनी भी बड़ी मंदी आए, उसकी जो डिमांड है, नीड है, बरकरार रहनी चाहिए। चौथी टेस्ट है, इस कंपनी का प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। और पांचवी टेस्ट है, दुनिया में टेक्नोलॉजी में कितना भी बड़ा परिवर्तन आ जाए इस कंपनी के प्रोडक्ट की नीड बरकरार रहनी चाहिए। क्या कोई ऐसी कंपनी है जिस कंपनी ने इन 5 टेस्ट को पार किया है, पास किया है, जहां पर निवेश करके बढ़िया रिटर्न मिले हैं? ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जहां पे 2007 में अगर आपने निवेश किया होता आपके निवेश के ऊपर आपको बढ़िया रिटर्न मिल चुका होता। 2007 में अगर इस कंपनी के शेयर में जिसकी बात कर रहा हूं वहां पे अगर आपने 10,000 रुपए निवेश किए होते तो 12 साल के बाद उसके 1,19,000 हो जाते, आपके निवेश के ऊपर आपको 23% CAGR के साथ आपको रिटर्न मिल चुके होते। अगर 2007 में 12 साल पहले अगर आपने सेंसेक्स या निफ्टी में निवेश किया होता तो 10,000 रुपए के 28,000 बन जाते 12 साल के बाद, आपके निवेश के ऊपर आपको 9% से CAGR के साथ इंडेक्स में रिटर्न मिलते, इंडेक्स से ज्यादा यहां पे रिटर्न मिले। बैंक की बात तो बाद में रही सर, बैंक में 12 साल पहले निवेश किया होता 10,000 रुपए निवेश किए होते तो उसके 22,000 हो जाते। ना तो मैं 22,000 के बारे में बात कर रहा हूं, ना तो 28,000 के बारे में बात कर रहा हूं, मैं 1,19,000 इतने बढ़िया रिटर्न के बारे में बात कर रहा हूं। जानना चाहेंगे वो कंपनी कौन सी है। 5 टेस्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, पहली टेस्ट मैंने बताई, जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट है हमारी बेसिक नीड होना चाहिए, बेसिक जरूरत होना चाहिए। जब तक सर पे बाल है बालों को हेयर ऑयल लगाना नीड है। दूसरी टेस्ट मैंने बताई, कंपनी का प्रोडक्ट उसके कैटेगरी में मार्केट लीडर होना चाहिए। मैं जानता हूं आप जान चुके होंगे मैं किस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। प्रोडक्ट का नाम है पैराशूट। इंडिया में 100 लोग अगर कोकोनट हेयर ऑयल बालों को तेल लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से 50% से ज्यादा लोग पैराशूट नाम का ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। क्या कंपनी का नाम पैराशूट है? नहीं सर, कंपनी का नाम है मैरिको। अब मैं जानता हूं जितने दर्शक देख रहे हैं जिनके पास पैराशूट की बॉटल है अब उठा के देखेंगे और देखेंगे, अच्छा मैरिको, क्या मैरिको का बस पैराशूट एक ही ब्रांड है, एक ही प्रोडक्ट है? एडिबल ऑयल में सफोला भी इनका ही ब्रांड है। सेट वेट जेल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं मैरिको का ही है। अब थर्ड टेस्ट के बारे में बात करता हूं, दुनिया में कितनी भी बड़ी तेजी आए, कितनी भी बड़ी मंदी आए, लोग इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना ही चाहिए। अब दुनिया में कितनी भी बड़ी तेजी आए या कितनी भी बड़ी मंदी आए, लोग सर पे तेल लगाने वाले हैं ही, तेजी में भी लगाएंगे, मंदी में शायद ज्यादा लगाएं। चौथी टेस्ट मैंने बताई थी, कंपनी का प्रोडक्ट अफोर्डेबल सस्ता होना चाहिए। किसी भी गली में जाइए, किसी भी नुक्कड़ में जाइए, आपको पैराशूट का सैचेट 2 रुपए में भी मिल जाएगा। पांचवी टेस्ट मैंने बताई थी, दुनिया में टेक्नोलॉजिकली कितना भी बड़ा परिवर्तन आ जाए कंपनी के प्रोडक्ट की जो नीड है, डिमांड है, बरकरार रहनी चाहिए। हेयर ऑयल बालों को तेल लगाना, टेक्नोलॉजिकल कितना भी बड़ा परिवर्तन आ जाए ये नीड बरकरार रहने वाली है। मैरिको का पैराशूट इतना बढ़िया ब्रांड है। लेट 90s में FMCG के सबसे बड़े जायंट हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मैरिको इस कंपनी को चेतावनी दी, उनके सामने प्रस्ताव रखा, आप आपका पैराशूट हमें दे दीजिए, अगर नहीं दिया तो आपके कंपटीशन में खड़े हो जाएंगे। जवाब में क्या मैरिको ने घुटने टेक दिए? बिल्कुल नहीं। मैरिको ने तो ऐसा लगा, मैरिको ने कहा मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। मैरिको के जो मालिक, मैरिको के जो प्रमोटर, जो चलाने वाले इंसान हर्ष मारीवाला, उनकी टीम उस समय सोल्जर के ड्रेस में बैटलफील्ड में जैसे उतरते वैसे उतर गई। मिशन को नाम दिया पैराशूट की कसम।
इस मिशन के साथ अपने ब्रांडिंग, अपने पोजिशनिंग, अपने कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर विश्वास रखते हुए इन्होंने प्रोडक्ट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे काम किया। 10 साल तक मानो कंपटीशन चली और एंड में हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो सबसे बड़ी एफएमसीजी की जायंट है, इसने पैराशूट के सामने घुटने टेक दिए। जो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने निहार नाम का तेल पैराशूट के कॉम्पिटिशन में रिलॉन्च करके खड़ा कर दिया था, वही तेल, निहार तेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पैराशूट को ही भेज दिया। इतने बड़े कंपटीशन में मैरिको जीत गई। इस कंपनी के शेयर ने आज तक निवेशकों को लंबे समय का निवेश जब किया है तो बढ़िया रिटर्न दिए हैं। एज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरा खुद का भी इस कंपनी के शेयर में निवेश है। देखिए, जब लंबे समय का निवेश करते किसी कंपनी ने जो 5 टेस्ट मैंने बताई उनको पार किया है, पास किया है, अगर उसके बाद उस कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ बरकरार है, सेल्स की ग्रोथ बरकरार है, बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट की ग्रोथ बरकरार है, कंपनी के ऊपर कर्जा कम है, और ऐसे कंपनियों में अगर हम मार्केट के वैल्यूएशन को मद्देनजर रखते हुए स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली रिस्क को एनालाइज करके रिस्पॉन्सिबिलिटी रख के निवेश करते हैं तो बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। गेटवे टू वेल्थ सीरीज में मैरिको के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है, वैसे ही स्मार्ट इन्वेस्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस टॉपिक के ऊपर और एक वीडियो अपलोड किया है। दोनों प्रोग्राम्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, लर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग भी बढ़ती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।